नमस्कार, खबर बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सीएम नीतीश के आदेश के बाद भी के पाठक ने अपना फैसला नहीं बदला है। आपको ये बता दें कि बच्चों को अभी भी सुबह 9 बजे ही स्कूल आना पड़ेगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल चलेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने वीसी में सभी शिक्षा पदाधिकारी को यह आदेश दिया और कहा कि चेतना सत्र फिजिकल अटेंडेंस 9 से 10 के बीच हो जाना चाहिए। 10 से 4 बजे तक 8 घंटे की पढ़ाई होगी। 4 से 5 के बीच मिशन दक्ष चलेगी। वहीं के पाठक के आदेश के बाद शिक्षक नेता भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। शिक्षक नेता राजू सिंह का यह कहना है कि बिहार का शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के कहे अनुसार चलेगा, ये ACS के कहे अनुसार चलेगा, ये मुख्यमंत्री का घोर अपमान है। मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने कल सदन में सरकारी विद्यालयों के संचालन के लिए 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक का समय निर्धारित किया। वहीं दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के बात से उलट शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा सरकारी विद्यालयों का संचालन 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी विद्यालय के अनुसर्वन के लिए जितने भी जांच दल हैं सभी को 8:30 बजे विद्यालय के गेट पे खड़ा होने के लिए कहा गया है और 5 बजे जब विद्यालय अवधि समाप्त होगी तो 5:30 बजे से वीसी में आने के लिए कहा गया है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का भी घोर अपमान है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत संज्ञान लेने की आवश्यकता है। 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए ये हमने कहा है और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बकवा नहीं माना, अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे और जो बात है पहले से यही तो हम शुरू से बोलते। अरे अरे हम बैठे ना भाई, हम भी तब पढ़ते थे ना भाई। तो जो तरीका है ये भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार, आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपसे आके हम पूछिए, आज ही हम बात कर लेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निषेध का रुख करते हैं। निषेध, देखिए, सीएम नीतीश के आदेश के बाद भी के पाठक ने अपना फैसला जो है वो नहीं बदला है, अपने पुराने फैसले पे ही वो अडिग है और इसको लेकर के अब लगातार ये कहा जा रहा है कि ये घोर अपमान है, मुख्यमंत्री का अपमान है, उनके आदेशों का पालन ना करना ये अपमान है। जिस तरीके से शिक्षक संघ और शिक्षक नेताओं की ओर से बयान आ रहा है उससे ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश का अपमान है, क्योंकि कल जिस तरीके से विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि 10 से 4 तक कक्षाएं चलनी चाहिए, स्कूल चलना चाहिए, क्योंकि हम भी पढ़ते थे, हमारे समय में भी इस तरीके से था, और उसके ठीक बाद पत्र निकाला गया शिक्षा विभाग की ओर से, उसमें 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल अवधि को कर दिया गया। लेकिन जो उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी, जो तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब मीटिंग किया तो उस मीटिंग में कई आदेश दिए और उसमें कहीं ना कहीं जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी थे उनको ये आदेश दिया गया कि 9 बजे हर हाल में 9 बजे तक, 9 से 10 बजे तक जो चेतना सत्र है वो बच्चों का करा लेना है, फिजिकल अटेंडेंस करा लेना है। और एक सबसे बड़ी बात कि 9 बजे से अगर 1 मिनट भी हो गया तो जो शिक्षक लेट आएंगे तो उन लोगों का वेतन भी काटने का आदेश दिया गया उस बीसी में। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आदेश और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक उलट के पाठक ने अपना जो फरमान है वो तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सुनाया है और कहा है कि शाम में 4 बजे तक कक्षाएं चलेंगी, 10 बजे से 4 बजे तक, लेकिन 9 बजे से 10 बजे तक बच्चों को आना है, चेतना सत्र होगा और फिजिकल अटेंडेंस होगा और उससे पहले 8:30 बजे विद्यालय को खोल देना है, तभी सभी बच्चे अंदर एंट्री ले सकेंगे। तो इस तरीके से अब कहीं ना कहीं शिक्षक नेता भी आक्रोश है, शिक्षक आक्रोशित है और इस बात को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बातों को भी के पाठक ने नहीं माना और उनके आदेश को भी कहीं ना कहीं एक तरीके से पलटने का काम किया है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं
तमाम जो शिक्षक हैं वो आक्रोशित दिख रहे हैं जी। बिल्कुल निश्चित बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बीच के पाठक क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी एक बार अपने दर्शकों को सुनाते हैं। इनकी फिजिकल अटेंडेंस और विद्यालय खोलने खालने का काम ये सब 9 से 10 के बीच हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, 10 बजे से 4 बजे तक 8 घंटे चलेगी। पहले आप देखेंगे कि पहली घंटी कितने बजे शुरू होती थी, 9:30 बजे कैलेंडर उठा के देख लीजिए अधिसूचना का, और 8वीं घंटी कब खत्म होती थी, 3:30 बजे। बस अब वो पहली घंटी 9:30 से की बजाय 10 बजे शुरू होगी, और 8वीं घंटी जो 3:30 बजे खत्म होती थी वो 4 बजे खत्म। अब मिशन दर्श और स्पेशल क्लासेस 4 से 5 के बीच में चलेंगी, क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? टीचर को सुबह 9 बजे पहुंचवा दीजिएगा स्कूल में, बस वो 8:30 बजे। और निश्चित देखिए, जिस तरह से के पाठक ने अपना बयान दिया है, उन्होंने अपने पुराने फैसलों को ही वहां पर वापस से दोहराया है, और एक तरीके से कहा जाए तो सीएम के आदेशों का उन्होंने पालन नहीं किया, उनके आदेश का कोई असर उनके ऊपर नहीं देखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ शिक्षक नेता भी नाराज है। इन सबके बीच अब शिक्षक जो नेता है वो आगे उनका क्या कुछ स्टैंड होगा, किस तरीके से अपनी बातों को वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे? देखिए, फिलहाल तो शिक्षक हैं वो काफी आक्रोशित हैं, क्योंकि के पाठक ने जो ये आदेश दिया तो शिक्षकों का साफ तौर पे यही कहना है कि आखिर जो शिक्षा विभाग है बिहार का वो अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश से चलेगा या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहे अनुसार चलेगा, ये शिक्षकों का कहना है। तो आगे उनकी कोशिश होगी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि 10 से 4 बजे तक की कक्षाएं चलें, स्कूल चलें, तो उस फैसलों को कहीं ना कहीं मनवाने की कोशिश होगी, क्योंकि शिक्षक आक्रोशित हैं और इसको लेकर के वो प्लान भी कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से वो जो अपनी बातें हैं उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। और उससे पहले भी हमने देखा है कई बार शिक्षकों ने आंदोलन के जरिए जो अपनी बातें हैं, अपनी मांगे हैं, वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की और मनवाई भी है। तो अब इस मामले में देखना हो कि आखिर आगे शिक्षक क्या करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल तो शिक्षक तमाम आक्रोशित हैं और इस बात को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश का भी कहीं ना कहीं अवहेलना अपर मुख्य सचिव के पाठक कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल, और देखना होगा कि आगे अब शिक्षक नेता जो है वो आगे किस तरह से अपनी बातों को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद निषेध। तो आदेश के बाद भी के पाठक ने अपना फैसला जो है वो नहीं बदला है, और सीएम के आदेश का उनके ऊपर कोई असर यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है।